Hi guys, I'm here to talk about a very very important topic जो बहुत time से मेरे दिमाग में चल रहा था. मेरे पास बहुत सारी queries आती हैं जहाँ पे लोगों को 30 days, 35 days बच्चा चाहिए. इतना छोटा बच्चा adopt करके it is no fun क्योंकि वो initially आपके साथ रहेगा, कुछ issues आ जाएंगे, कोई problems आ जाएंगे, उसकी immunity अच्छे से develop नहीं हुई है, उसको अपनी मदर के साथ इतना टाइम नहीं मिला कि वो सोशलाइजिंग सीख सके. आजकल जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बीगल ने काट लिया, शिज़ू ने काट लिया, दीज ब्रीड्स आर नॉट प्रोग्राम्ड ये सब कामों के लिए. इट ओनली हैपन्स बिकॉज दे हैव नॉट गॉट इनफ टाइम विद देयर मदर्स, दे हैव नॉट लर्न सोशलाइजिंग, एंड टेक्निकली वी डोंट हैव टाइम टू ट्रेन आर पपीज लुक एट उनके छोटे छोटे मिस्टेक्स. तो प्लीज़ शॉप रिस्पॉन्सिबली, अडॉप्ट योर पपीज रिस्पॉन्सिबली. 3-4 दिन की खुशी के लिए डू नॉट ट्राई टू स्क्रूज अ लिविंग बींग्स लाइफ, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था. यू आर बाइंग और अडॉप्टिंग अ कंपेनियन जिसको हर कोई चाहेगा कि जितना ज़्यादा रह सके उनके साथ रहे. एंड आई वुड पर्सनली वॉन्ट माई पपीज टू स्टे विद मी फॉर अ मिनिमम ऑफ 14-15 ईयर्स. आप लोग प्लीज़ अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली. Everybody should understand that it is a breeder's responsibility कि आपको एक healthy puppy देना और एक socialized puppy देना.